नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्सियम पर। और अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, है ना। तो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ा हुआ था। अगर कोई छोटा सा मास है m, है ना, इसके किसी r डिस्टेंस पर अगर एक छोटा सा मास मैंने m जीरो रख दिया हुआ है, तो इसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी था माइनस जी पहला मास दूसरा मास m जीरो बाय होल डिस्टेंस r, दैट्स योर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट दिस पोजीशन। व्हेन पोटेंशियल एनर्जी एट इन्फिनिटी इज टेकन एज जीरो, ज़्यादा अंग्रेजी हो गया, मतलब अगर मैंने ये एज्यूम किया हुआ है कि अगर पोटेंशियल एनर्जी इन्फिनिटी पर जीरो है, तब इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी मैं इतना लिख सकता हूँ, अगर नहीं है इन्फिनिटी पर जीरो तो मैं इतना नहीं लिख सकता हूँ, है ना। हम इतना तो लिख ही सकते हैं कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो होगा वो हो जाएगा मेरे पास माइनस में जी एम एम जीरो बाई आर, है ना। ऐसे तो हम लोगों ने यही सीखा था। अभी हम लोग सीखने वाले हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। क्या होता है ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, पहले हम लोग इस पर थोड़ा बहस कर लेते हैं, क्योंकि हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा हुआ था थोड़ा, और आज अच्छे से इलेबरेट करते हैं। ये जो मास है m, और यहाँ पर मैंने एक छोटा सा मास m जीरो रखा हुआ है, तो इन दोनों का एक इंटरेक्शन है ना, इसका इससे एक इंटरेक्शन मतलब ये दोनों है वहाँ पर, और इस पोजीशन को बना के रखने के लिए इसके पास कोई ना कोई एनर्जी है। फिर से सुनना है, इस दोनों मास का ऐसे एग्जिस्ट करने के लिए, ऐसा होने के लिए, ऐसा बने रहने के लिए इसके पास जो पोटेंशियल एनर्जी मतलब जो एनर्जी है उसी को हम कह रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी, इज इट ओके। क्या है ऐसा कि ये मास इस वाले मास को क्या करता है, खींचता है अपनी तरफ, अट्रैक्ट करता है। तो यहाँ पर हम कहे थे ग्रेविटेशनल फील्ड है, है ना, जी स्मॉल जी का वैल्यू कितना था, जी इस वाले का मास एम बाय होल डिस्टेंस आर का होल स्क्वायर, तो इसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ग्रेविटेशनल फील्ड है यहाँ पर, उस कारण से ये इसके ऊपर फोर्स लगा पा रहा है, जिस कारण से इसी फील्ड में मैं कहूँगा इस मास के पास और इस मास सिस्टम का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। इस पोटेंशियल एनर्जी के कारण ये वाला मास इस वाले मास के ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स लगा रहा है ना। बात समझ में आई इतनी सी? हम एक छोटा सा बात समझ सकते हैं इस पूरे कहानी के अबाउट, एकदम बहुत आसानी से समझना है, बहुत बहुत आसान चीज है, ठीक है। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ यहाँ से, हम लोगों ने पिछले क्लास में यह सब चीज़ पढ़ा हुआ था, तो थोड़ा इसके आगे की बात कर सकते हैं। हाँ, ये बात पता रहना चाहिए, मास छोटा है, पॉइंट मास है ना। तो एक एकदम सिंपल सा लॉजिक समझना है, मैं इसके स्फेरिकल रीजन पे मैं बात कर रहा हूँ, एकदम ध्यान समझना है, स्फेरिकल रीजन पे बात कर रहा हूँ मैं। किसी डिस्टेंस r डिस्टेंस पर मैं एक छोटा सा मास ले लिया हूँ, तो क्या यहाँ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितना लिखूंगा, जी माइनस में भी है, माइनस में जी पहला मास दूसरा मास m जीरो बाय डिस्टेंस r, है ना। अगर मैं यहाँ पर एक छोटा सा मास 10 kg रख दूँ, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आएगा माइनस जी पहला मास दूसरा मास, अगर ये स्फीयर है तो इसका रेडियस r ही होगा, आ रहे हो समझ ना, u है मैंने लिखा। यहाँ पर मैं अगर कोई 1 kg का एक मास रख दूँ, तो पोटेंशियल एनर्जी जो यहाँ पर लिखाएगा वो माइनस में जी पहला मास दूसरा मास बाय होल डिस्टेंस आर है। तो थोड़ा ये ऑब्जर्व करना है इस पूरे ये तीनों एक्सप्रेशन में, इवन हम हर जगह पे, इवन हम यहाँ पर एक मास रख दें तो भी हम ऐसा ही कुछ एक्सप्रेशन लिख देंगे, है ना। मान लेते हैं यहाँ पर मैंने एक 50 kg का एक मास रख दिया, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितना आ जाएगा, माइनस में जी पहला मास दूसरा मास बाय होल डिस्टेंस आर, क्लियर है। तो नेट जो पोटेंशियल एनर्जी है हर जगह, हम उसमें एक चीज देख रहे हैं वो ये क्या हर जगह
इस स्फेरिकल रीजन में, ये इस वाले हर एक पॉइंट पर, जब स्फेयर के हर एक पॉइंट पर एक चीज कॉमन आ रहा है, हम इसी चीज को बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ठीक है, जिसको V से डिनोट करेंगे। तो अगर मैं यहां से इसको लिखूं तो ये क्या हो जाएगा, 10 V हो जाएगा क्या? अरे बस में 10 टाइम्स ऑफ V, इसको लिखेंगे M0 into V, है ना, M0 into, ये तो पूरा टर्म हो गया V। सिमिलरली V into 1, सिमिलरली 50 V हो जाएगा। अरे बस समझ में ना, इस तरह से करके हमने हर एक जगह पे देखा कि भी मेरा कॉमन है, तो मैं कहूँगा इस मास के कारण इस स्फेरिकल रीजन में, स्फेयर के सरफेस पर हर एक पॉइंट पर कुछ है जिसके कारण से इस हर एक पॉइंट के मास पर पोटेंशियल एनर्जी एग्जिस्ट कर रहा है। क्लियर हुआ? तो हम उस चीज़ को बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। कोई दिक्कत है? तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, पोटेंशियल भी इज डिफाइंड एज पोटेंशियल एनर्जी पी पर यूनिट मास। ये कारण यहां चीज लिख दी है। देखो तो यहां पर यू के जगह पे हम लिख सकते हैं इस वाले कंडीशन में, यू बराबर एम जीरो इंटू बी हो गया क्या? तो बी बराबर क्या हो गया, U बाई एम जीरो नहीं हो गया, V बराबर U बाई एम जीरो क्या हो गया, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास। कितना आसान हो गया, है ना। अब इसका यूनिट क्या हो जाएगा, जूल था ना, पोटेंशियल एनर्जी तो जूल ही होगा, पर केजी, मास को केजी में लिख देंगे। इसके डायमेंशन क्या आ जाएंगे, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू होता है इसका, जूल का, इसके नीचे में एम आ जाएगा, एम से एम, तो क्या हो जाएगा एल का स्क्वायर टी माइनस टू, दैट्स योर डायमेंशन, इट्स इजी, ठीक है ना। तो समझ में आ गया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या है। लेकिन हाँ, ये किसके लिए है, पॉइंट मास के लिए है, और हम इसके लिए लिखेंगे कि भी का वैल्यू क्या हो गया, अच्छा भी का वैल्यू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल भी बराबर, यहीं पर लिख देते हैं यहाँ से, तो भी बराबर हमने किसको बोला था, माइनस जी एम बाय आर, है ना, तो माइनस जी एम बाय आर, दैट्स योर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल वी, है ना। इसको कॉपी कर लो, याद कर लो अभी, क्योंकि अच्छे अच्छे सवाल आने वाले हैं। नेक्स्ट जल्दी जल्दी कॉपी करो। अभी मेरे पास एक सवाल है, एक यहाँ पर मैंने मास रखा है 10 केजी का, और उसके कारण यहाँ पर पूछ रहा है 20 मीटर के डिस्टेंस पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना है, है ना। सवाल एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है, अभी से बहुत सारे क्वेश्चंस के लिए सिंपल, फाइंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो यहाँ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना हो जाएगा, वी का वैल्यू माइनस जी एम बाय आर, तो माइनस में जी, बड़ा वाला जी निकाल मत देना कोई, ओके जी, एम के जगह पे 10 बाय 20 तो कट गया क्या, तो माइनस में जी बाय 2, है ना, इतना वोल्ट, पसंद नहीं आया वोल्ट, चलो ठीक है, जूल पर केजी को ही वोल्ट भी बोलते हैं, क्लियर है, जूल पर केजी को ही वोल्ट भी बोल सकते हैं, अभी तो नहीं कह रहे, चलो ठीक है, जूल पर केजी ही चलेगा, वोल्ट नहीं बोले उसको, समझ आ रही बात। अगर मैंने एक छोटा सा मास m लिया है, यहाँ पर एक मास m लिया है, और यहाँ पर भी मैंने एक मास m लिया हुआ है, ये पहला क्वेश्चन था, अब दूसरे क्वेश्चन पर बात कर रहे हैं, और बोला है यहाँ पर इस वाले पॉइंट पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बताओ, इस वाले पॉइंट पर, तो v का वैल्यू क्या होगा, इस सब का डिस्टेंस दिया हुआ a, तो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ निकालना पड़ेगा, अरे ये तो बचपन से पढ़े हैं सर, ए वाई रूट थ्री होता है, रटा गया कि नहीं रटाया, जोर से बोलो जय माता दी, सरस्वती माता की जय, है ना। तो बी बराबर क्या हो जाएगा, माइनस जी इसका एम बाय
दिस डिस्टेंस, है ना, ए बाय रूट थ्री, ये लिखेंगे इस वाले मास कारण यहाँ पर पोटेंशियल कितना बनेगा, इस वाले मास कारण पोटेंशियल यहाँ बनेगा इतना, दूसरे वाले मास कारण भी इतना ही बनेगा, माइनस सॉरी प्लस लिख देंगे माइनस जी एम बाय ए बाय रूट थ्री, दूसरे के लिए हो गया ये, प्लस तीसरे वाले के लिए भी बनेगा जी एम बाय ए बाय रूट थ्री, यानी कि टोटल तीन हो गया क्या ये सब, तो क्या लिखेंगे थ्री टाइम्स ऑफ माइनस में जी एम बाय ए और नीचे का रूट थ्री ऊपर, तो क्या हो गया माइनस में थ्री रूट थ्री जी एम अपॉन ए जूल पर के जी आंसर, समझ में आ गया बात, चलो ठीक है। अभी एक और क्वेश्चन लेते हैं, कॉपी कर लो कि अभी हम यहीं ले लेते हैं इसका क्वेश्चन। ये एक छोटा सा मास है, यहाँ पर एक मास है, यहाँ पर एक मास है, ये एक मास है, यहाँ पर मैंने एक मास एम रखा, यहाँ टू एम मास रखा, यहाँ पर थ्री एम मास रखा, यहाँ पर फोर एम मास रखा है, और बोल रहा है यहाँ पर बताओ पोटेंशियल एनर्जी कितना, पोटेंशियल कितना होगा, पोटेंशियल नहीं पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा यहाँ पर, गॉड ग्रेशन पोटेंशियल कितना होगा, ठीक है। तो कॉपी कर लो यहाँ तक, दो मिनट पॉज कर लो, कॉपी कर लो, फिर हम उसको बनाते हैं, है ना, हो गया, इधर बता कॉपी कर लो। तो कितना हो जाएगा ग्रेशन पोटेंशियल यहाँ पर, U बराबर माइनस जी पहला मास एम बाय दिस डिस्टेंस, अगर ये डिस्टेंस ए दिया हुआ है तो ये लेंथ कितना हो जाएगा, ये अगर x है और ये भी x है और ये 90 डिग्री पर होगा क्योंकि ये स्क्वायर है हमारा लिया हुआ, तो x और x, तो ये क्या हो जाएगा एक्स रूट टू इज द ए, नहीं ले सकते, x का रूट टू जो है वो हमारा a है, तो x बराबर क्या हो जाएगा ए बाय रूट टू, ये अगर पर अरे परपेंडिकुलर बेस है ना, ए बाय रूट टू, तो क्या हो गया यहाँ से पहले वाले का x के जगह लेंथ लिखेंगे तो ए बाय रूट टू, आई थिंक सब का यही आना है, हर किसी में एक चीज़ ये आएगा, हम इन सबको कॉमन निकाल लिए, तो पहले वाले में लिखेंगे वन, दूसरे वाले में दो एम हो जाएगा तो टू, तीसरे वाले में थ्री, चौथे वाले में चार, और इन सबको जोड़ लेंगे तो नाइन और वन टेन, है ना, तो टेन रूट टू जी एम बाई ए नेगेटिव में आंसर, ठीक है, कॉपी कर लो फिर आगे देखते हैं। आसान क्वेश्चन हो गया ना, यहाँ पर हमको ग्रेविटेशन पोटेंशियल पूछ रहा है, इसके कारण मास ए है ना, तो क्या लिखेंगे बी बराबर माइनस जी पहला मास और ये डिस्टेंस ए बाय ए, ये आई थिंक हर किसी माना है क्योंकि हमको हर जगह एम 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 दिख रहा है, तो क्या लिखेंगे पहले वाले के लिए वन, दूसरे वाले के लिए थ्री, तीसरे वाले के लिए फाइव, चौथे वाले के लिए सेवन और ये हो गया नाइन, है ना, तो इन सबको अगर हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा सिक्सटीन और एट कितना हो जाएगा 25 हो गया ना, नहीं हो गया, तो 25 जी एम बाय ए दैट्स योर आंसर। सिमिलरली यहाँ पर भी आ जाएगा है ना, नाइन और सिक्स सिक्सटीन और एट और नाइन क्या, तो यहाँ पर हो जाएगा बी का वैल्यू माइनस में जी एम बाय ए पहला मास है ना, अच्छा ये ए कैसे आया यहाँ से देखकर डिस्टेंस, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल ही बनता है और ये भी लेंथ ए, ये भी लेंथ ए हो जाएगा, तो ये जो लेंथ हुआ इस मास से इस पॉइंट का लेंथ वो ए हो गया है ना, तो हर किसी में आएगा जी एम बाई, इसलिए हम कॉमन निकाल रहे हैं इसको, है ना, दैट्स वेरी इजी, तो पहले वाले का लिखेंगे वन प्लस दूसरे का टू, तीसरे वाले का फिर वन, चौथे वाले का दो प्लस में वन प्लस में टू, थ्री 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 नाइन, तो क्या माइनस में नाइन जी एम बाई ए आंसर। तो पोटेंशियल कैसा लगा, बहुत भारी, भारी नहीं है रे बाबा, इजी है, चलो कॉपी करो फिर अब अच्छे अच्छे सवाल बनाते हैं, सवाल नहीं कुछ और अच्छी अच्छी चीज़ें सीखते हैं, देन फिर सवाल की तरफ मूव करेंगे, है ना, पहले कॉपी करो। तो अभी देख रहे हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू रिंग, है ना, तो चलो देखते हैं यहाँ पर, इसके कारण हम लोग ग्रेविटेशनल फील्ड भी पड़े हुए थे, है ना, तभी देख रहे हैं रिंग के कारण ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना होता है एट इट्स एक्सिस, किसी डिस्टेंस एक्स पे बात कर रहे हैं ना, ये डिस्टेंस है हमारा एक्स और ये लेंथ हो गया, इसका जो रेडियस है वो हो गया आर। अब ये छोटा सा बात तो समझ में आना चाहिए यहाँ पर कि जो मास है इसका टोटल मास मैंने एम माना हुआ है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक छोटा छोटा
डी एम मास तोड़ना पड़ेगा, है ना, और उसके कारण यहाँ पर पोटेंशियल निकालना पड़ेगा, क्लियर है। तो इसके कारण जो पोटेंशियल बनेगा, ये जो डिस्टेंस होगा, मान लेते हैं आर का वैल्यू रूट ओवर कैपिटल आर का स्क्वायर प्लस में एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, है ना, आर का वैल्यू ये लेंथ। तो इसके कारण जो पोटेंशियल यहाँ बनेगा उसको कहेंगे छोटा सा पोटेंशियल, इसको कहेंगे डी भी, है ना। तो छोटा सा पोटेंशियल डी भी वो कितना हो जाएगा, माइनस में जी छोटा सा मास डी एम अब बाय दिस डिस्टेंस आर। तो नेट पोटेंशियल कितना हो जाएगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा इसको, डी वी को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो नेट पोटेंशियल क्या हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ माइनस में जी डी एम बाय डिस्टेंस आर। तो यहाँ से आ गया माइनस में जी अपॉन आर के जगह पे लिख सकते हैं रूट ओवर आर का स्क्वायर प्लस में एक्स का स्क्वायर और इंटीग्रल ऑफ डी एम हो जाएगा, और डी एम को ऐड करेंगे तो टोटल मास एम हो जाएगा। और ये लेंथ जो है हमने बाहर निकाल लिया, वो इसलिए निकाला क्योंकि आर अगेन कांस्टेंट हो गया। हम लोग ग्रेविटेशन फील्ड में भी ऐसे ही कुछ किए थे, तो वहाँ पर भी हमारे पास आ गया था, क्या आया था, जी एम एक्स बाय आर का स्क्वायर प्लस में एक्स का स्क्वायर का होल 3/2, ये ना आया था, एक्स नहीं था इतना, है ना, वो जी एम एक्स वाला आया था इनसाइड द सॉलिड स्फीयर, है ना। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, माइनस में जी टोटल मास एम बाय रूट ओवर आर का स्क्वायर प्लस में एक्स का स्क्वायर, दैट्स योर वी पोटेंशियल। एकदम आसान हो गया, लेकिन अगर पूछेगा एट इट्स सेंटर तो हम लिखेंगे एक्स का वैल्यू जीरो, सेंटर पर एक्स का वैल्यू हो जाएगा जीरो, तो पोटेंशियल कितना बनेगा, एक्स का जीरो पुट करेंगे तो आर का स्क्वायर का सिर्फ आर आ जाएगा, तो क्या बनेगा, माइनस में जी एम बाय टोटल आर, है ना। सेंटर पर कितना बनेगा, ये सारे चीज़ें याद रहनी चाहिए क्योंकि अभी हम सवाल बनाएंगे इस पर, है ना। तो अभी कॉपी में नोट करते जाओ और सारी बातें याद रहनी चाहिए कि कितना होता है इसका, सेंटर पर कितना होता है, माइनस में जी एम बाय आर, कहीं एक्स डिस्टेंस पर कितना होता है, तो माइनस जी एम बाय आर का स्क्वायर प्लस में एक्स का स्क्वायर का रूट, है ना। दैट्स अ वेरी इजी, याद भी रखना है और याद भी रखना भी आसान ही है, आपको क्या लगता है, नहीं चलो ठीक कॉपी करो। इस बार हम लोग देख रहे हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू हॉलो स्फेरिकल सेल, यानी कि इस बार जो एक कोई फुटबॉल टाइप का है या फिर बलून टाइप का है ना, तो एकदम पूरा गोल स्फेरिकल बलून है, अंदर कुछ नहीं है, बाहर तो हवा ही है, तो उस वाले कंडीशन में बात कर रहे हैं। ये पूरा का पूरा स्फेरिकल हॉलो है ना, ये ऐसे, और ये जो डिस्टेंस है ये हो गया आर, है ना, इसका रेडियस है आर। हमको जानना है पोटेंशियल, तो सवाल उठेगा कहाँ कहाँ, अंदर में कि सरफेस पर कि बाहर में। हम लोग जानते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड जो था वो इस एक्सर्शन ड्यू टू ग्रेविटी इनसाइड जीरो था, याद है, अंदर में क्योंकि मास ही नहीं है तो फील्ड गायब होगा, इसका टोटल मास एम दिया हुआ है। तो इसके सरफेस पर कितना हम लोग बनाए थे, बोले थे ये पूरा का पूरा पॉइंट मास की तरह बिहेव करेगा, तो यहाँ पर जो पोटेंशियल बनाए थे, ग्रेविटेशनल फील्ड बनाए थे, वो जी एम बाय आर का स्क्वायर था। सिमिलरली यहाँ पर जो पोटेंशियल बनेगा, वी का वैल्यू हो जाएगा माइनस में जी एम बाय आर, सरफेस पर कितना हो गया, जी एम बाय आर। सिमिलरली इसका टोटल मास एम लेंगे, पूरा मास यहाँ पर रख देंगे, तो टोटल डिस्टेंस ये हो गया आर, इसलिए हमने ये मान लिया। अगर हम कहीं इस पोजिशन पर बात करें जिसका कि डिस्टेंस है किसी आर पोजिशन पर, तो यहाँ पर क्या बनेगा, माइनस जी एम बाय स्मॉल आर। कोई दिक्कत है, अंदर में पोटेंशियल कितना हो, चलो बाहर तो समझ में आ गया कितना हो गया, सरफेस पर इतना हो गया, इनसाइड तो ये जी है जीरो, अंदर में कितना होगा, गॉड ये तो सर बताना है। चलो थोड़ा कथा कहानी करते हैं, वर्क बराबर पढ़े हैं हम लोग, माइनस में ऐसे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, है ना, और इसका वैल्यू लिख सकते हैं इंटीग्रल ऑफ एफ डॉट डी आर, कह सकते हैं ना यहाँ से। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या लिख सकते हैं, माइनस में एम जीरो इंटू चेंज इन पोटेंशियल इक्वल टू फोर्स बराबर क्या लिखेंगे, एम जी नहीं लिखेंगे, एम जीरो इंटू जी वेक्टर डॉट ऑफ डी आर वेक्टर को इंटीग्रेट कर देंगे, तो एम जीरो से एम जीरो कट जाएगा, तो चेंज इन पोटेंशियल जो आएगा वो आएगा माइनस में इंटीग्रल ऑफ जी वेक्टर डॉट ऑफ डी आर वेक्टर, सिंपल है। तो जी वेक्टर के बारे में क्या ख्याल है,
ख्याल यही है कि ये dv बाई dr हो जाएगा, नहीं जी वेक्टर नहीं लिख रहे हैं यहाँ पर, मैग्नीट्यूड में बात कर रहे हैं, तो dv बाई dr होगा, यानी कि रेट ऑफ चेंज इन पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन। क्या सब कुछ घूम फिर करके रोना धोना इतने पर रह जाता है ना, समझ पा रहे ना बात है, ये रेट ऑफ चेंज इन पोटेंशियल है, पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। अगर पोटेंशियल एनर्जी होता तो यहाँ फोर्स मिलता, बट पोटेंशियल का जो चेंज हो रहा है उसके कारण हमको ग्रेविटेशनल फील्ड मिल रहा है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में क्या ख्याल है यहाँ पर, कि रेट ऑफ चेंज इन पोटेंशियल गिव्स ग्रेविटेशनल फील्ड, एकदम आसान है, कोई दिक्कत है? तो यानी कि एक छोटा सा बात समझना है कि अगर किसी ने बोला कि हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो है, अगर ये हिस्सा जीरो है, ये क्यों जीरो होगा? क्योंकि अगर कांस्टेंट होगा तभी ना, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है। तो फॉर जी इक्वल टू जीरो वी मस्ट बी कांस्टेंट, लिख सकते हैं ना ये बात, अभी कांस्टेंट, यानी कि जितना पोटेंशियल यहां पर है उतना ही पोटेंशियल यहां पर है, उतना ही पोटेंशियल यहां है, उतना ही पोटेंशियल यहां है, क्योंकि हर सरफेस तक ही तो पोटेंशियल है, हर जगह सेम है। तो सरफेस का पोटेंशियल कितना है, माइनस जी एम बाय आर, तो अंदर में भी माइनस में जी एम बाय आर हो जाएगा, एकदम आसान हो गया। तो भी इन साइड कितना बनेगा, माइनस में जी एम बाय कैपिटल आर, दैट इज बी ऑफ सरफेस, एकदम आसान हो गया, कोई दिक्कत नहीं है समझ में। यानी कि बेसिकली हुआ क्या हुआ, ये है, कॉपी करो फिर बात करते हैं, ठीक है। हुआ यहाँ ये है, एक ग्राफ है हमारे पास, कोई आर का और भी का, हम देख रहे हैं सरफेस जब आर पे पहुँचते हैं है ना, सरफेस सेंटर पर कितना है, सेंटर पर है मेरे पास माइनस में जी एम बाय आर, सरफेस पर भी है हमारे पास माइनस में जी एम बाय आर, यानी कि हर जगह सेम, और उसके बाद वन बाय आर के हिसाब से घट गया है ना ऐसे। ये देखो ये उल्टा ग्राफ बनाई, ये इसलिए बनाई क्योंकि मेरे पास सारा डेटा निगेटिव में है, ग्राफ मेरा कैसा आ जाएगा निगेटिव, ये वी आर कर्व बनाइए है ना। तो वी आर कर्व कैसा हो गया, सेंटर से लेकर के सरफेस तक कांस्टेंट, और उसके बाद वन बाय आर के हिसाब से घट गया पोटेंशियल है ना निगेटिव में। अरे बस मुझे निगेटिव में था पूरी वैल्यूज, यानी कि वो जीरो की तरफ टेंड कर रहा था, घट रहा है कि बढ़ रहा है, बढ़ रहा है ना, तो पोटेंशियल यहाँ पर बढ़ते चला जाएगा, समझ रहे हो, लेकिन वो जीरो की तरफ टेंड करेगा, जीरो कहाँ था, इन्फिनिटी पर, तो वही तो घूम फिर करके आया है ना। तो समझ में आ गया पूरी की पूरी कहानी, इन साइड द होलो स्फेयर। अगर हम यहीं पर स्फेयर के कारण बात करें, ये अगर कंप्लीट स्फेयर होगा तब क्या होगा, ये इस पर होलो नहीं है, है ना, स्फेयर है ना, ड्यू टू सॉलिड स्फेयर, तो ये सॉलिड स्फेयर हो गया इस बार, तब बाहर में तो ये ही दोनों रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अंदर में क्या होगा है ना, रेडियस आर है, तो किसी पोजीशन, यहाँ पर हम इधर की तरफ हम आर लिख लेते हैं, किसी पोजीशन आर पोजीशन पर यहाँ पर कितना होगा पोटेंशियल, अभी याद कर लो ठीक है, इसके डेरिवेशन डेरिवेशन बना दें, बना ही दे रहे हैं ठीक है। अभी पहले छोटा सा इनसाइड द भी इन साइड के बारे में फॉर्मूला याद रखना है, माइनस में जी एम बाय टू आर का होल का क्यूब थ्री आर का स्क्वायर माइनस में आर का स्क्वायर होता है ना, आसान है यहाँ तक या यही होता है, तो ये थोड़ा है ना कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला, एकदम याद कर लो बाबा यही है। अच्छा एट सेंटर कितना होगा, भी एट सेंटर कितना होगा, आर का वैल्यू तब जीरो लिखेंगे यहाँ पर, तो कितना बनेगा हमको थ्री बाय टू माइनस में थ्री बाय टू टाइम्स ऑफ जी एम बाय आर, यानी कि जी एम बाय आर तो ये तो सरफेस पर था, तो सरफेस का डेढ़ गुना, यानी कि माइनस में ये फिर ऐसे लिख लेते हैं वन पॉइंट टाइम फाइव टाइम्स ऑफ वी ऑफ सरफेस, मतलब गजब हो गया,
क्या गजब हुआ ये देखो, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा इरेज कर दे रहा हूँ, है ना, यहाँ से। अब देखना कुछ धमाकेदार होने वाला है, फोटो देख के भाग मत जियो। यहाँ पर हो जाएगा मेरे पास माइनस में जी एम बाय कैपिटल आर, ये हो गया आर और ये हो गया भी। कैपिटल आर पर कितना है, माइनस सी एम बाय आर जो सरफेस पर है, लेकिन इससे भी डेढ़ गुना ज़्यादा कहीं यहाँ पर मेरे पास 3/2 टाइम्स ऑफ जी एम बाय आर आ जाएगा, है ना, ये ऐसे यहाँ तक, और उसके बाद 1/r के हिसाब से चल ही रहा था। इधर का क्या कहानी है, ये देखो, तो निगेटिव ऑफ आर का स्क्वायर का फंक्शन है, निगेटिव ऑफ निगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव का आर का स्क्वायर ग्राफ हो गया ना, एक्स का स्क्वायर ग्राफ कैसा होता है, तो यहाँ से भी ये ऐसा चलेगा, क्लियर है, थोड़ा नीचे हो गया ये ग्राफ हमारा ऐसा, है ना, कुछ इस तरह से भागेगा, भागेगा ऐसे भी, समझ में आ गया यहाँ तक बात, चलो ठीक है। इसको कॉपी करो, याद करो, पता रहना चाहिए कि सरफेस पर कितना होता है, यहाँ कितना होता है, इन साइड कितना होता है और यहाँ पर कितना। अभी हम प्रूफ करके बताते हैं ये चीज़ कैसे आया, ठीक है ना, इन साइड से ये वाला वैल्यू कैसे आया, बाहर वाला में तो टेंशन नहीं है, वो हमें सिंपल सा बात है, पूरा का पूरा मास को हमने पॉइंट मास की तरह बिहेव करवा दिया, बट अभी है इन साइड वाला का प्रूफ। देखना बस, प्रूफ देख करके भाग मत जाना, फिर बोलना कि संन्यास ले लेना है पढ़ाई लिखाई से, ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है प्रूफ का, ठीक है, समझो कि क्या होता है, ठीक है ना, बहुत इजी है। हम अगर मान लें कि हमको किसी आर डिस्टेंस यहाँ पर पोटेंशियल निकालना है, तो ध्यान सुनना है पूरे पूरे बात को, और यह है सरफेस, हमको किसी ने बोला इस पोजिशन पर पोटेंशियल बताओ, तो हमको अभी अभी हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था, चेंज इन पोटेंशियल का फॉर्मूला, नेगेटिव ऑफ जी इंटीग्रल ऑफ सॉरी जी वेक्टर डॉट ऑफ डी आर वैक्टर, यह था इंटीग्रल में, और चेंज इन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, तो हम एक काम करेंगे, एक छोटा सा यहाँ से पॉइंट को उठा करके हम यहाँ भेज देंगे, जब ये किसी एक्स डिस्टेंस पर पहुँचेगा यहाँ पर, हम इससे इसका छोटा सा डी एक्स डिस्प्लेसमेंट करवा देंगे, और यहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड किधर की तरफ होगा, इधर की तरफ, है ना, तो जी, और जी इन साइड कितना होता है, ये हम लोगों ने पढ़ा था कि जी जी एम एक्स बाय आर का क्यूब, है ना, था जी एम एक्स बाय आर का क्यूब था जी इन साइड। तो अगर हमको चेंज इन पोटेंशियल निकालना है, फिर सुनना यह बात को, मैं इस पॉइंट को ए से दे करके बी तक पहुंचा रहा हूँ, एकदम आसान है। तो जब यहाँ से यहाँ तक जा रहा था, तो हम जाते जाते किसी एक्स डिस्टेंस पर पहुँचे, नहीं समझ में आ रहा फिर समझो, ये वाला पॉइंट है आर, एक मास को मैंने उठा करके यहाँ से यहाँ तक भेज दिया, यहाँ से यहाँ तक भेज दिया, तो किसी एक्स डिस्टेंस पर यहाँ पहुँच गया, यहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड कैसा बताए थे, अंदर की तरफ, तो जी अंदर की तरफ लगेगा, मास को मैं ऐसे भेज रहा हूँ डी एक्स, तो वर्क जो होगा पोटेंशियल कैसा होगा, नेगेटिव में हो जाएगा, है ना, तो चेंज इन पोटेंशियल कितना आएगा, माइनस में जी डॉट डी आर का वैल्यू, जी का वैल्यू क्या लिखेंगे, जी एम एक्स बाय आर का क्यूब इंटू डी आर, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ है डी एक्स का, उल्टा हुआ है इसलिए माइनस में वन डॉट हुआ है उल्टा, क्लियर है यहाँ तक। तो चेंज इन पोटेंशियल कहाँ से कहाँ तक लिखे गए, भी फाइनल भी बी माइनस में भी है ना, ये ए पोजिशन है इसका, तो भी बी माइनस में भी ए इज इक्वल टू माइनस में जी एम बाय आर का क्यूब बाहर आ गया, और माइनस माइनस यहाँ हो गया प्लस, इंटीग्रेट करेंगे एक्स का वैल्यू, तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर बाय टू, कहाँ से कहाँ तक एक्स का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक ले गए थे, आर से लेकर कैपिटल आर तक, स्मॉल आर से लेकर कैपिटल आर तक, एकदम आसान हो गया। अगर अब क्या भी बी का वैल्यू पता है, सरफेस का पोटेंशियल का वैल्यू कितना था, जी एम बाय आर, ये ना था, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस में जी एम बाय आर, और भी एट ए हमको निकालना है, भी एट ए हमको निकालना है, तो क्या हो जाएगा, अपर लिमिट पुट करेंगे एंड लोअर लिमिट पुट करेंगे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से जी एम आर का स्क्वायर बाय टू आर का होल क्यूब
माइनस में अगर हम आर पुट कर देंगे यहाँ से, अगर आर पुट कर देंगे तो जी एम आर का होल स्क्वायर बाय टू आर का होल का क्यूब। हमको भी ये निकालना है, इन सारे चीज़ों को हम इधर भेज सकते हैं। तो माइनस में जी एम बाय आर हो गया, ये चीज़ माइनस में आ जाएगा, जी एम बाय टिक टिक खत्म, टू आर हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा जी एम आर का स्क्वायर बाय टू आर का होल का क्यूब इज इक्वल टू भी ए हो जाएगा। और हम देख सकते हैं यहाँ 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 पर तीनों जगह पे हमारे पास टू आर का होल का क्यूब हम कॉमन निकाल सकते हैं। तो माइनस में जी एम बाय टू आर का होल का क्यूब कॉमन निकाल रहे हैं। तब यहाँ पर आर का क्यूब तो था नहीं, तो हमको आर का स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर नीचे, तो यहाँ पर हो गया आर का स्क्वायर। यहाँ पर दो भी नहीं था तो दो से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। प्लस में अगेन यहाँ पर, क्योंकि माइनस हम बाहर निकाल देते, यहाँ प्लस होगा, एक और आर का स्क्वायर आ जाएगा। और यहाँ पर हो गया हमारे पास माइनस, क्योंकि हम निकाल चुके हैं कॉमन, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा आर का स्क्वायर इज इक्वल टू वी ए। समझ में आ गया होगा कि कितना आ गया माइनस में, जी एम बाय टू आर का होल का क्यूब और थ्री आर का स्क्वायर माइनस में आर का स्क्वायर, दैट्स योर पोटेंशियल एट ए। याद कर लो फॉर्मूला को, लेकिन प्रूफ करने के लिए मैं बता दिया, ठीक है, अगर ज़्यादा बहादुरी करने का मन करता है तो करो, और कुछ है नहीं, सिंपल है फॉर्मूले, ठीक है। और एक दो बार घर पे प्रैक्टिस करने हैं तो आसानी से ये अचीव हो जाएगा, है ना। तो समझ में आ गया कि हमने कहाँ 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 क्या क्या किया, ठीक है। चलो ठीक है, कॉपी करो, सवाल बनाते हैं कुछ अच्छे अच्छे वाले, फॉर्मूले याद रखने सारे के सारे। इवन हमने अभी तुरंत ऐसा ग्राफ भी देखा, ग्राफ कैसा था, ऐसा है ना, सरफेस पर इतना है ना, ये यहाँ पर इतना, अरे बस सुनिए, चलो ठीक है कॉपी करो। अभी जो सवाल है उसमें ये है कि बताओ कि कहाँ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, सॉरी ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो है और उस जगह पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना है। यानी कि बेसिकली सवाल है, फाइंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ठीक है, वेयर एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इक्वल टू जीरो। ये सवाल हम लोग किए हुए हैं, मान लेते हैं एक्स डिस्टेंस पर बात कर सकते हैं, इसके कारण जितना ग्रेविटेशनल फील्ड होगा, इसके कारण जितना भी ग्रेविटेशनल फील्ड होगा वो जीरो हो जाएगा। यानी कि इसके कारण ग्रेविटेशनल फील्ड और इसके कारण ग्रेविटेशनल फील्ड, हमारा दोनों का वैल्यू सेम आने वाला है। तो हम लिखेंगे एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी ड्यू टू फर्स्ट मास इक्वल टू ग्रेविटेशनल ड्यू टू फॉर एम मास। तो क्या हो जाएगा, माइनस में जी पहला मास एम बाय होल डिस्टेंस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, माइनस में लिखते हैं इसमें, प्लस होता है क्या सर, गलत सलत लिखते हैं आप, बाय यहाँ से हो जाएगा आर माइनस में एक्स का होल स्क्वायर क्या, तो हो जाएगा यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो आर माइनस में एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू फोर एक्स का स्क्वायर। स्क्वायर करने के बाद रूट चढ़ा देंगे दोनों साइड, तो यहाँ से हो गया आर माइनस में एक्स इज इक्वल टू टू एक्स, आर का वैल्यू हो गया थ्री एक्स और एक्स का वैल्यू हो गया आर बाय थ्री। क्या पूछ रहा था, इसी पोजिशन पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू एम मास और फोर एम मास के कारण बात कर सकते हैं। तो पोटेंशियल ड्यू टू एम मास के कारण कितना हो जाएगा, जी एम बाय माइनस में दिस डिस्टेंस आर बाय थ्री, ठीक है। तो क्या हो गया, माइनस में थ्री जी एम बाय आर, ठीक है, ड्यू टू एम मास, और पोटेंशियल ड्यू टू फोर एम मास के कारण कितना बनेगा, तो माइनस में जी इंटू फोर एम बाय दिस डिस्टेंस इज व्हाट, आर माइनस में एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, आर माइनस में आर बाय थ्री, यानी कि टू आर बाय थ्री हो जाएगा, नहीं तो यहाँ से हो गया टू आर बाय थ्री। तो नेट पोटेंशियल कितना आ जाएगा, है ना, नेट पोटेंशियल कितना आ जाएगा, बी ड्यू टू एम मास बी ड्यू टू फोर एम मास। तो इसका कितना था, माइनस में थ्री जी एम बाय आर और माइनस में फोर थ्री या ट्वेल्व जी एम बाय टू आर। तो यहाँ पर आ जाएगा टू सिक्स हो गया, सिक्स में से ट्वेल्व चला गया, तो यहाँ से हो गया माइनस में एटीन जी एम बाय टू आर। तो यहाँ से आ गया हमारे पास माइनस में
9 जी एम बाय आर, है ना। तो इजी था, कहना यही चाह रहा था कि कहाँ पर, पहले तो ये जानना था कि ग्रेविटेशनल फील्ड हमारा जीरो है, और जहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो है वहाँ पर पोटेंशियल कितना है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स होते हैं, क्या हो गया, ओह आई कांट बर्दाश्त, सॉरी। चलो ठीक है, कॉपी करो और अभी एक सवाल लेते हैं। ये एक सवाल है कि हमारे पास दो रिंग दिए हुए हैं, एक 2R रेडियस वाला है और एक R रेडियस वाला, लेकिन दोनों का मास सेम है, M और M है, और दोनों के बीच का सेपरेशन भी 2R दिया हुआ है। तो पूछ रहा है VA माइनस VB का वैल्यू बताओ। ऐसे सवाल बहुत बहुत आसान होते हैं, ध्यान से सिर्फ समझना है कि क्या करना है। तो हमको क्या पूछा इसने, VA माइनस VB, तो हम VA निकाल लेते हैं, फिर VB निकाल लेते हैं, दोनों घटा देंगे, खत्म हो गया, है ना। तो पोटेंशियल एट ए निकालना चाहते हैं, तो कैसे निकालेंगे हम, पहले लिखेंगे ड्यू टू रिंग ए और फिर ड्यू टू रिंग बी। ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर कि ए पर पोटेंशियल खुद इसके कारण होगा और इसके कारण भी होगा, है ना, एकदम आसान हो गया। तो इसके कारण पोटेंशियल कितना होगा, इसके सेंटर पर आ गया क्या, तो सेंटर का हम लोग पढ़े हैं ना, रिंग का कितना था बी एट सेंटर जी एम बाय आर, और बी एट एक्सिस पर हम लोगों ने पढ़ा था जी एम बाय नेगेटिव में था रूट ओवर आर का स्क्वायर प्लस में एक्स का स्क्वायर, है ना, एक्सिस पर। अभी हम लोगों ने प्रूफ किया था, सीधा यूज कर लेंगे। तो ड्यू टू रिंग ए के पर ही बात कर रहा है, तो क्या लिखेंगे, माइनस में जी, इसका टोटल मास एम है और ये डिस्टेंस हो गया 2R। और दूसरे कारण कितना हो जाएगा, इसके कारण यहाँ पर, तो ये लेंथ लिखना पड़ेगा, ये 2R का स्क्वायर प्लस में R का स्क्वायर, आई थिंक रूट ओवर 5R का स्क्वायर, यानी कि 5 R रूट ओवर 5, है ना। तो क्या लिखेंगे इसका, माइनस में जी मास बाय दिस डिस्टेंस R रूट 5, ये हुआ ड्यू टू रिंग ए एंड ड्यू टू रिंग बी पोटेंशियल एट ए पर। पोटेंशियल एट बी कितना हो जाएगा, फिर ए के कारण बात कर रहे इस पोजीशन पर, अब इसके कारण बात करेंगे, तो 2R और 2R यानी 2R रूट 2 हो जाएगा ये लेंथ, है ना, ये लेंथ कितना हो जाएगा 2R का रूट 2। तो क्या लिखेंगे यहाँ से, माइनस में जी एम बाय 2R रूट 2। अब फिर B के खुद के कारण कितना हो जाएगा, इसके कारण इसी पॉइंट पर, तो ये वाला लिखना पड़ेगा हमको, माइनस जी एम बाय आर, माइनस में जी एम बाय आर डिस्टेंस, और हमको निकालना है वी ए माइनस में वी बी, इसमें भी हटा देंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ से, माइनस में जी एम बाय 2R माइनस में जी एम बाय आर रूट ओवर 5, यहाँ तो प्लस हो जाएगा तब सब, तब यहाँ से जी एम बाय 2R रूट 2 और प्लस में जी एम बाय आर। यहाँ से अगर हम देखें, माइनस में जी एम बाय 2R तो कॉमन आ ही रहा है, तो बचेगा यहाँ प्लस 1, यहाँ से माइनस बाहर आ चुका है, जी एम बाय 2R बाहर आ चुका है, तो यहाँ पर 2/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, प्लस में 2/√5 हो जाएगा, और यहाँ से 2 बाहर आ चुका है तो 1/√2 हो जाएगा, और यहाँ पर से 2 आएगा, 2 और 1 3 हो गया, तो यहाँ से हो गया माइनस में जी एम बाय 2R 3 प्लस में 2/√5 प्लस में 1/√2, दैट्स योर आंसर। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पे और भी अच्छे अच्छे सवाल होते हैं, और समझ में आ गया किसके कैसे हम लोगों ने न्यूमेरिकल किए, ठीक है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में अभी तक इतना ही, इसके बारे में अभी और भी डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, मतलब यूज़ आएगा हम लोग का इसके वेलोसिटी और ऑर्बिटल स्पीड वाले में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, जो कि कल हमारा लास्ट वीडियो होगा ग्रेविटेशन वाला, और कल सुबह आ जाएगा SHM की भी नेक्स्ट वीडियो, ठीक है, तो वो भी देखो, क्योंकि हम इंट्रोडक्शन आ चुका है सुबह का पे, तो रेगुलर ऐसे चलेगा, दो वीडियोस डेली आएंगे। आप लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन भी दबाए दो, है ना। मिलते हैं, ओके बाय।